हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिजाइन है, बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। जस्ट 8 सिलाइयों का ही डिजाइन है। जो 8 सिलाइयां मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी रो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज डिजाइन आपको समझ में नहीं आएगा। और स्टिचेस जो हैं आपको इसमें 4 के मल्टीपल में लेने, यानी कि 4 के कोने में फंदे लेने, एक फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है। डिजाइन पैटर्न आपका देखिए फ्रंट साइड से स्टार्ट होगा, तो मैं अभी अपनी फ्रंट साइड पे हूँ। पहला फंदा मैं यहाँ पे स्लिप कर लूंगी, देखिए इस तरह से। देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद नेक्स्ट जो है आपको सीधा बनाना है। इसके बाद रो 1 है ये हमारी, और रो 1 हमें पूरी की पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करनी है, इस तरह से। देखिए रो 1 पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करना है। रो 1 पूरी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आप आ गए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 पर। तो यहाँ पे देखिएगा रो नंबर 2 पहला फंदा जो आपको सीधा स्लिप करना है। इसके बाद सभी फंदों को एक एक करके उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। रो 2 पूरी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है ना, तो एक बार देख लीजिए। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो। वहां पर मैं DIY, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल प्लस हॉल्स वीडियो शेयर करती हूँ, तो एक बार देखिएगा जरूर। और कोई ना कोई वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो उस पर मैं ऑनलाइन शॉपिंग के वीडियोस भी काफ़ी सारे डालती रहती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो एक बार जाके देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक जरूर कीजिएगा। अब आ गए हम रो नंबर 3 पर, ठीक है। पहला फंदा देखिए स्लिप कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा 3 फंदा सीधा बनाएंगे। 1 2 3, 3 फंदा सीधा बनाने के बाद एक फंदा हमें ऐसे स्लिप कर लेना है। उसके बाद फिर से हमें यही रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा। देखिए 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, 1 2 3, और एज स्टिच को सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब रॉन्ग साइड से आ जाएंगे, ये पैटर्न की रो नंबर 4 है हमारी। पहला फंदा स्लिप करके 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, रो नंबर 4, और रॉन्ग साइड से हम बना रहे हैं। अब ये जो फंदा हमने लास्ट रो में स्लिप किया था, इधर भी हम इसे स्लिप कर लेंगे, ठीक है। यही हम 4 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर से स्लिप कर लेंगे। देखिए 1 2 3 से स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए 4 सिलाइयां हमने बना ली हैं। अब आगे की 4 सिलाइयां भी ऐसे ही बनेगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा कि ये जो हमने स्लिप वाला फंदा लिया था ना, इसको अब हम इन 3 फंदों के बीच वाले फंदे पे लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अपनी जो 5th रो है, पहला फंदा स्लिप करके पूरी हम इसको सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 5वीं सिलाई पूरी सीधी बना लेंगे, जो स्लिप किया हुआ फंदा था उसे भी सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। देखिए बहुत आसान बुनाई डिजाइन है, मैं बिगनर्स की सोच के बिगनर फ्रेंडली डिजाइन इसलिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोग भी इसे बहुत आसानी से बना सको। बस इसमें सीधा उल्टा बनाना है और फंदा स्लिप करना है, और कुछ नहीं करना है, सीधा उल्टा फंदे पे ही डिजाइन डलेगी पूरी। रॉन्ग साइड से 6वीं सिलाई पहला फंदा देके स्लिप कर लेंगे, उसके बाद पूरी सिलाई जो है आप ऐसे उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पूरी की पूरी रो उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। रो नंबर 6 है ये हमारी। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरे अदर चैनल का प्लस इंस्टाग्राम का।
एज स्टिच को भी देखो हमने उल्टा बना लिया। अब आ गए हम अपनी रो नंबर 7 पर। पहला फंदा देखिए स्लिप कर लेंगे। अब कैसे बनाएंगे देखिएगा, पहले हमने बनाया था यहाँ पर रो नंबर 3, तीन तीन फंदा सीधा फिर एक स्लिप। अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे उसके बाद स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ से तीन फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप कर लेंगे, 1 2 3, से स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा और एज स्टिच भी सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब आ गए हम अपनी रो नंबर 8 पर। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद एक फंदा उल्टा बना के नेक्स्ट ये जो फंदा हमने स्लिप किया था लास्ट रो में से स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, 1 2 3, स्लिप कर लेंगे, 1 2। तो देखिए इस तरह से हमने ये 8 सलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली। तो यही 8 सलाइयाँ आपको बस दोहराते हुए जाना है, रिपीट करते हुए जाना है। डिज़ाइन पैटर्न बहुत खूबसूरत बन के आएगा जब आप इसे ज़्यादा फंदों पे बनाएंगे। देखिए ये लाइट कलर में मैंने बनाया, तो इस तरह से ये डिज़ाइन दिखाई देगा आपको, बहुत ही सुंदर बहुत प्यारा डिज़ाइन बन के आता है इस तरह से। देखिए आप देख पा रहे हो इसमें ऐसे ब्रैकेट से बन गए हैं, तो फ्रंट साइड से इस तरह से दिखाई देगा, रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देगा। डिज़ाइन पैटर्न बहुत आसान है, बनाइएगा जरूर। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह ये बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ, जिससे कि आप लोगों के साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।